डर हम लोग जो है एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग में अब हम लोग एयर पॉल्यूशन से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे जो आपके गेट एग्जामिनेशन या फिर आपके सेमेस्टर एग्जामिनेशन के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं तो पहला क्वेश्चन है द लिक्विड फॉर्म्स ऑफ पार्टिकुलेट एयर पॉल्यूटेंट्स आर ये मिस्ट एंड स्प्रे होता है विच ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट कौन सा एक या एक से अधिक स्टेटमेंट सही होगा वो जो है आपको बताना है यहाँ पे जो है कई सारे स्टेटमेंट दिए गए हैं पहला स्टेटमेंट है लॉन्ग लॉन्ग टर्म एक्सपोजर टू द इंक्रीज लेवल ऑफ फोटोकेमिकल स्मोक बिकम अ काउज ऑफ चेस्ट कंस्ट्रक्शन एंड इरिटेशंस ऑफ द मुस्कस मेंबर्स तो बिल्कुल यह स्टेटमेंट जो है हमारा क्या है यह स्टेटमेंट जो है हमारा सही है इंक्रीज लेवल ऑफ कार्बन मोनो ऑक्साइड इन द इंडोर इन्वायरमेंट रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ कार्बो कार्बोजाइल हेम्योगलोबिन एंड लॉन्ग टर्म एक्सपोजर बिकम्स अ काउज ऑफ कार्डियोवेस्कुलर डिजीज स्टेटमेंट भी सही है वोलाटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड इन द इनडोर इन्वायरमेंट विल रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ फोटो smog in इन द प्रजेंस ऑफ यह स्टेटमेंट भी जो है सही है तो यहाँ पे स्टेटमेंट ए बी और सी ये तीनों स्टेटमेंट क्या है हमारा सही है अगला क्वेश्चन है गैस कंटेंट टू टाइप्स ऑफ सस्पेंडेड पार्टिकल्स दो तरीके का जो है सस्पेंडेड पार्टिकल जो है एक गैस करता है एवरेज साइज जो है टू माइक्रोमीटर एंड फिफ्टी माइक्रोमीटर मीटर एमंग्स द ऑप्शन गिवेन बिलो कुछ ऑप्शन जो है यहाँ पे दिए गए हैं द मोस्ट सुटेबल पॉल्यूशन कंट्रोल स्ट्रेटजी है न तो मोस्ट सुटेबल पॉल्यूशन कंट्रोल स्ट्रेटजी फॉर रिमूवल ऑफ दीज पार्टिकल्स उस पार्टिकल्स का रिमूवल के लिए होगा यहाँ पे जो है ऑप्शन दिए गए हैं पहला दिया गया है बाय साइक्लोनिक सेपरेटर दूसरा है बैग फिल्टर फॉलोड बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रिपिटेटर सेटलिंग चैम्बर फॉलोड बाई बैग फिल्टर तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सेटलिंग चैम्बर फॉलोड बाई बैग फिल्टर इज द राइट आंसर विच वन ऑफ द फ़ॉलोइंग इज़ सेकेंडरी तो ओजोन जो है सेकेंडरी पोलिटेंट है विच वन ऑफ़ द ऑप्शन कंटेन ओनली प्राइमरी एयर पोलिटेंट्स प्राइमरी एयर पोलिटेंट को कंटेन कर रहा है तो हाइड्रोकार्बन एंड नाइट्रोजन ऑक्साइड इज द राइट आंसर अगला क्वेश्चन है देअर आर ट्वेंटी थाउजेंड व्हीकल ऑपरेटिंग इन सिटी एक सिटी में जो है बीस हजार व्हीकल जो है चल रहे हैं ऑपरेट किए जा रहे हैं विद एन एवरेज एनुअल ट्रेवल जो है बारह हजार किलोमीटर पर व्हीकल हो रहा है तो जो एनोटू एक्स मिशंस होगा जो एनो टू है वो आपका दो न्यूटन सॉरी दो ग्राम पर किलोमीटर पर व्हीकल के हिसाब से हो रहा है तो टोटल एनुअल रिलीज कितना होगा एन एक्स तो चार ऑप्शन दिए गए हैं तो, तो टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया जा रहा है तो बीस हजार गुने बारह हजार यानी चौबीस गुने टेन पावर सेवन किलोमीटर सो तो टोटल एन ओ एक्स इमिशन जो है चौबीस गुने टेन पावर सेवन इंटू टू इंटू टेन पावर माइनस थ्री के जी तो अड़तालीस मतलब आप कह सकते हो कि चार लाख अस्सी हजार के जी जो है ये आपका जो है टोटल इमिशन जो है हो जाएगा अगला क्वेश्चन है विच ऑफ अलोइंग इज नॉट प्रजेंट इन द एसिड इसमें जो है चार ऑप्शन दिए गए हैं इसमें बताना है कि कौन सा जो है एसिड में प्रेजेंट नहीं होता है तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सी एच थ्री सी ओ सी डबल ओ एच ये जो है एसिड में प्रेजेंट नहीं होता है तो डेयर यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे चार मैच लिस्ट करना है ये जो है लिस्ट वन है और इधर जो है आपका लिस्ट टू है तो लिस्ट वन और टू को जो है आपको मैच करना है ठीक है तो ये आपका करेक्ट मैच है ये भी आपका करेक्ट मैच है ये भी आपका करेक्ट मैच है और ये भी जो है आपका करेक्ट मैच है है ना सुपर एडिवेटिक एडिवेटिक इन्वर्जन और इन्वर्जन ओवर सुपर एडिवेटिक तो लूपिंग फ्लोम कोनिंग फ्लोम फैनिंग फ्लोम और फ्यूगी फ्यूगीमे फ्यूमिगेस ये जो है आपके हो जाएगा अगली क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं तो अगला क्वेश्चन जो है आपके यहाँ पे बोला जा रहा है द एटमोसफेयरिक लेअर क्लोज सेट टू द सरफेस ऑफ अर्थ तो टूपोस्फेयर जो है सरफेस लेयर जो है सबसे नजदीक है अर्थ सरफेस के फॉलोइंग ऑब्जरवेशन है एलिवेशन ऑफ टेम्परेचर टू सरटेन द स्टेबिलिटी ऑफ द एटमोसफेयर एलिवेशन एक तरफ दिया गया इधर टेम्परेचर दस पंद्रह पॉइंट पांच साठ पंद्रह एक सौ तीस चौदह पॉइंट तीन तो एटमोसफेयर जो है वो कैसा क्लासीफाई किया जाएगा चार ऑप्शन दिए गए हैं तो ई एल आर वन इज इक्वल टू डेल्टी बाई डेल एच इज इक्वल टू पंद्रह पॉइंट पाँच माइनस पंद्रह साठ माइनस दस यानी पॉइंट जीरो वन डिग्री पर मीटर ई एल आर टू जो है बात किया जाए तो डेल एच वाई डेल्टी बाई डेल एच पंद्रह माइनस चौदह पॉइंट तीन बटा एक सौ तीस माइनस साठ यानी पॉइंट जीरो वन डिग्री सेल्सियस पर मीटर तो जो लैप लैप्स रेट होगा वो आ जाएगा वो जो है आपका नाइन पॉइंट एट डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर तो फॉर ड्राई एडियाबेटिक के लिए सिक्स डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर फॉर बेड एडियाबेटिक कंडीशन जो है आपका जो इन्वायरमेंटल लैप्स रेट है यानी ई e एल आर है वो हो जाएगा पॉइंट जीरो वन इंटू वन थाउजेंड यानी टेन डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर इसलिए हम लोग यहाँ पे जो है कहेंगे कि जो इन्वायरमेंटल लैप्स रेट है वो बड़ा है एडियाबेटिक लैप्स रेट से सो सुपर एडियाबेटिक जो है आपका कंडीशन यहाँ पर बनेगा और एटमोसफेयर जो है हाईली अनस्टेबल जो है आपका होगा जो कि ऑप्शंस के अनुसार बात किया जाए तो ऑप्शंस के अनुसार ऑप्शन नंबर बी जो है वो आपका करेक्ट माना जाएगा अगली क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं तो अगला क्वेश्चन है इट वाज डिसाइडेड टू कंस्ट्रक्ट द फैब्रिक फिल्टर यूजिंग बैग्स ऑफ पॉइंट फोर फाइव मीटर डायमीटर एंड सेवन पॉइंट फाइव मीटर लॉन्ग फॉर रिमूविंग इंडस्ट्रियल स्टैक गैस कंटेनिंग पार्टिकुलेट्स द एक्सपेक्टेड रेट ऑफ़ एयर फ्लो इंटू द फिल्टर इज टेन पावर माइनस थ्री टेन टेन मीटर क्यूब पर सेकेंड इफ़ द फिल्टरिंग वेलोसिटी इज़ टू मीटर पर मिनट जो है, है तो जो मिनिमम हमारा नंबर ऑफ बैग्स रिक्वायर्ड होगा फॉर कंटिन्यूस क्लिनिंग ऑपरेशन के लिए वो कितना होगा चार ऑप्शन जो है दिया गया है सरफेस एरिया ऑफ़ वन बैग जो है टू पाई आर एल तो टू इंटू पाई इंट पॉइंट फोर फाइव बाई फाइव यानी टेन पॉइंट सिक्स एरिया रिक्वायर्ड टेन इंट सिक्सटी बाई टू यानी तीन सौ तो नंबर ऑफ़ बैग्स रिक्वायर्ड थ्री हंड्रेड डिवाइडेड बाई टी एट पॉइंट थ्री यानी अप्रॉक्सीमेटली ट्वेंटी नाइन बैग्स की जो है रिक्वायरमेंट होगी उसके बाद अगली क्वेश्चन है प्री करसर्स ऑफ फोटो कैमिकल ऑक्सीडेंट्स आर तो एन ओ सी एंड सनलाइट ये जो है आपका जो है अफेक्ट करेगा तो फंक्शनिंग ऑफ रेस्पायरेटरी सिस्टम एंड ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ ब्लड रिस्पेक्टिवली है अफेक्ट जो है ज़्यादा करेगा जो रेस्पायरेटरी सिस्टम है उसको और जो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी है ब्लड का उसको अगला क्वेश्चन है द टू एयर पॉल्यूशन कंट्रोल डिवाइस डेट आर यूजुअली यूज टू रिमूव वेरी फाइन पार्टिकल्स फ्रॉम द गैस आर तो इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रिसिपिटेटर एंड फैब्रिक फिल्टर द अमाउंट ऑफ सी ओ टू जेनरेटेड जो अमाउंट होता है सी ओ टू का इन के जी वाइल कम्प्लीटली ऑक्सीडाइजिंग वन के जी ऑफ सी एच फोर अगर एक के जी मिथेन को अगर जलाएंगे तो कितना के जी जो है आपका कार्बन डाइऑक्साइड जनरेट होगा टू द इंड प्रोडक्ट है ना इंड प्रोडक्ट में तो यहाँ पे जो आपको बताना है तो सी एच फोर यानी मिथेन प्लस ऑक्सीजन तो मिथेन जो है सोलह ग्राम ले रहे हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड चौवालीस ग्राम बन रहा है तो उस तरीके से अगर हम लोग एक के अगर मिथेन लेंगे तो चौवालिस वटा सोलह गुने वन यानी टू पॉइंट सेवन फाइव के ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जो है आपका जनरेट होगा अगला क्वेश्चन से यहाँ पे कंसीडर फोर कॉमन एयर पॉलिटेंट्स फोर कॉमन एयर पॉलिटेंट्स जो है यहाँ पे लिया गया है फाउंड इन अर्बन इन्वायरमेंट अर्बन इन्वायरमेंट में ए नो टू O3 so O3 Ozone, okay? so I hope कि आज का सेशन आपको जो है समझ में आया होगा और अच्छा भी लगा होगा इसी तरीके का और भी सेशन जो है आपको मिलते रहेंगे फिलहाल के लिए चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए इसका जो नोट्स है आपको हमारे ऐप इंजीनियर प्लस पे जो है आपको मिल जाएगा आप वहाँ से जो है नोट्स को प्राप्त कर सकते हैं बाकी जो भी अपडेट्स होंगे आने वाले समय में आपको और भी दिए जाएंगे थैंक यू सो मच